बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। और जब तौफीक मिलती है अब ये वो मंजिल कुर्ब की तरफ जा रहा है। अब आदमी ये सोचे कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मंजिल कुर्ब मिली या नहीं, तो मंजिल कुर्ब मिलने की तीन अलामतें हैं। इंसान की सारी मेहनत के नतीजे में अगर उसके अंदर ये तीन अलामतें पैदा हो गई तो समझो कि अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब मुझे मिल गया। अल्लाह तो मेरे करीब है ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के करीब हो गया हूं। यह तस्वूर अल्लाह तबारक व ताला उसको अता कर देते हैं। और जब यह तस्वूर बांधता है कि मैं भी अल्लाह के करीब हूं, इस तस्वूर में जो इसको लुत्फ आता है, फिर दुनिया में उसको जन्नत का मजा आ जाता है। फिर वो उस दुनिया माफिया को, तब ये तो औलिया कामलीन, बादशाहों ने बादशाह छोड़ी तो फकीरी इख्तियार कर ली, फिर दोबारा बादशाह बने नहीं है। तारीख उठा के देखें, फकीरों ने कभी बादशाह इख्तियार नहीं की। कभी कोई फकीर और अल्लाह का वली बादशाह बनाओ, उन्होंने बादशाहों को ठोकर मारी। इसलिए कि जब बादशाहों का बादशाह मिल गया और उसका कुर्ब नसीब हो गया, तो उनके सामने बादशाह तो मिट्टी का ढेर नजर आई। लेकिन बादशाहों ने जब उनको अल्लाह ने अपनी फकीरी की दौलत दी, विलायत का चस्का दिया, अपने कुर्ब की मंजिल का मजा दिया है, उन्होंने बादशाहों को ठोकर बना के इब्राहिम अदम बन गए, जो बलख का बादशाह है इब्राहिम अदम, लेकिन बलख के बादशाह को ठोकर मार के अल्लाह तबारक व ताला के कुर्ब की मंजिल के लुत्फ में आ गया। लिखा कि एक मतलब जंगल में गए तो सामने शेर आ गया, शेर निकल आया। जैसे शेर निकला तो जरा डरे, घबराए, शेर आ गया। उसी हाथ में गैबी से आवाई आवाज है, इब्राहिम अदम तुमने हमारे नाम पर सारी सल्तनत को कुर्बान किया, तुम हमारी मखलूक से डरते हो, तुम एक शेर की मामूली मखलूक से डरते हो, तुझे खबर नहीं तेरी हिफाजत पर हमने 50,000 फरिश्ते लगा रखे। एक शेर नहीं, हजारों शेर भी आ जाएं, तेरा बाल बेका नहीं कर सकते, डरने की जरूरत नहीं। तो मुझे देख, जिस पर तूने बादशाहत कुर्बान की थी, आज तू उसकी तरफ निगाह कर, इस शेर की क्या हकीकत है तेरे सामने। ये तस्वूर जो आवाज आई, ये तस्वूर में बांधा अपने आप को, खुदा पे निगाह डाली है, शेर दुम हिलाता हुआ आया और पैर चाटने लगा। जहर के शेरों के दिल, शेरों के पंजे, शेरों का दबदबा तो उस खुदा के हाथ में है, वो जैसे चाहे बोड़ दे, जैसे चाहे बोड़ दे। इब्ने तौलून रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े वली और मुहद्दिस गुजरे हैं, वक्त का बादशाह किसी बात पर नाराज हो गया, जेल में डाल दिया और फैसला हुआ कि भूखे शेर के सामने डाल दिया जाए। और पहले जमाने में बादशाहों के यही रिवाज होते थे कि भूखे शेर के सामने डाल दो कैदी को, वो चीरेगा फाड़ेगा, शुगल हो रहा है, तो सारा शहर जमा है। इब्ने तौलून मैदान के अंदर हैं और भूखे शेर को शेर को पिंजरे में सला के छोड़ दिया। अब शेर जो दौड़ा उसकी तरफ, इब्ने तौलून बैठे हैं, अपने वक्त का वली है, कोई गलत फहमी होगी और बादशाह ने यह हरकत की। अब वो दौड़ रहा है, जब करीब किया, करीब जाके शेर रुका, उनको देखा और उसके जाके पैर चाटने लगा। सारा मजमा हैरान, बादशाह ने कहा वजीर को, क्या बात है, ये क्या हुआ, क्या शेर भूखा नहीं था? कहा जी भूखा, एक हफ्ते से भूखा रखा हुआ है, क्योंकि इसने चूंकि ये करना था, एक हफ्ते से भूखा रखा हुआ है, फिर क्या हुआ? तो वजीर ने आहिस्ता से कान में कहा, बादशाह सलामत, मुझे लगता है ये अल्लाह का कोई बंदा है, चुप करके इसको छोड़ दीजिए, वरना इस सारी ये सल्तनत भस्म हो जाएगी अगर इसने हाथ उठा दिए। अच्छा चलो इसको छोड़ दो, बाइज्जत बरी कर दो, बाइज्जत बरी कर दिया। मैं बता रहा हूँ अल्लाह वालों की बेखौफी। अब ये घर गए, घर जाके दरवाजा खटखटाया तो बीवी ने दरवाजा खोला तो इब्ने तौलून खड़े हैं, ये आप आ? तो मैं तो समझी थी आपकी लाश आएगी, मैं तो समझी थी आपको शेर शहीद कर चुका होगा, आपकी लाश आएगी, आप खैरियत से जिंदा सलामत होगे, क्या हुआ? अंदर आ गए, कहा कि बस मेरे अल्लाह ने अपनी रहमत से मुझे बचा लिया, शेर मेरे पास आया और आके बैठ गया, पैर चाटने लगा। बादशाह ने कहा बाइज्जत बरी कर। अच्छा अजीब, ज़ाहिर अल्लाह के वली की करामत। तो बीवियां तो बीवियां होती हैं, कहते अंदर दी गल दसो, अंदर कुछ और है। शेर जब आपकी तरफ आया था तो आपको डर तो लगा होगा ना, अंदर क्या फील हो रहा था? क्योंकि बीवियां तो घाटी वली मानती है ना मियां को, इल्ला माशा, अंदर की बात बताओ। अल्लाह अकबर, इब्ने तौलून रहमतुल्लाह ने क्या बात की, यह है बेखौफी खुदा को जिसने पा लिया, बेखौफ हो गया कायनात। क्या बीवी से कहा कि अल्लाह की बंदी, जब शेर मेरी तरफ दौड़ा चला आ रहा था तो मैं दिल में ये सोच रहा था कि ये जो मुझे बाइट करेगा, मुझे काटेगा, इसका लुआब मेरे बदन के साथ लगेगा, इसके लुआब का पता नहीं क्या होगा, मैं इसका लुआब पाक है कि नापाक है, मुझे बाद में इसको धोना पड़ेगा कि नहीं, मैं इस पर सोच रहा था। हमारा खून खुश्क हो जाए, खून जिसमें मिनारे पीले हो जाए,
मिनते तरले करके जमीन पे गिर जाए, नहीं। इब्ने तोरुन देख कर सोच रहा है कि ये काटेगा तो इसका लुआ पाक है ये ना पाक है, मैं इस शरीयत के मसले पे सोच रहा था। बस इतने में वो मेरे करीब आ गया और आके बैठ गया, पैर चाटने लगा और बादशाह ने कहा आजाद कर दो। इसको कहते हैं बेखौफी। जब अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब मिल जाता है, आज छोटे से साहिब मनसब के साथ हमारी दोस्ती होती है, हमारी गर्दन आकड़ी रहती है, कालर हमारे नीचे नहीं आते और हम कहते हैं अजी मेरे बेली है, मेरे साडा बेली है, और जी फलां फलां जो है साढ़ा दोस्त और कमिश्नर साहब ने साढ़े बड़े ताल्लुकात ने, हमारी हम आपस से बाहर हो जाते हैं, चौथे आसमान पे जाके रहने लगते हैं। और वहां बादशाहों के बादशाह के साथ जब अल्लाह के वली का जोड़ लग जाता है तो फिर दुनिया की सारी बादशाहतें हेच हो जाती है। तो ये अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल हुआ, उसमें लज्जतें कैसे मिलती हैं, तो उसकी तीन अलामतें हैं। पहली अलामत यह कि नफसानी ख्वाहिशात को इंसान तर्क कर दे, नफसानी ख्वाहिशात तर्क कर दे। लजीज खाने खाता है, लजीज पानी पीता है, अच्छे उम्दा कपड़े पहनता है, तो उसमें या तो फिजिकली तर्क करके फकीरी इख्तियार कर ले, और या फिजिकली अगर उन चीजों को इख्तियार करता है तो निगाह जन्नत के खानों पर रखे और ये खाने उसके सामने बेहेच हो, हेच हो जाए, कहा कि ये की कोई हकीकत नहीं जो जन्नत के खानों की है। मैं ऐसा कोई हराम माल से ऐसा लजीज खाना खाने को तैयार नहीं हूं जो मेरे जन्नत के खानों को खोटा कर दे। हाँ, हलाल से मिलेगा तो शुक्र करके खाऊंगा, लेकिन इसकी अहमियत मेरे यहां कुछ नहीं है। रमजान के रोजे में इन्हीं खानों को छोड़ देता हूं उस खुदा के लिए, हज के मौके पे इन्हीं खुशबूदार खुशबुओं को छोड़ देता हूं, इन्हीं पोशाकों को छोड़ देता हूं उस खुदा के लिए। यह जज्बा जब इंसान के अंदर अपने अंदर रखता है, इसका मतलब है कि अल्लाह की मंजिल कुर्ब उसको मिल रही है। और दूसरी अलामत फरमाया हक पर कायम रहे, जो हक है उस पर कायम रहे, यह ना देखे कि हक पर कायम रहने से मुझे मुआशरती क्या नुकसान है, मुआशी क्या नुकसान है, मेरे सोसाइटी के अंदर क्या होगा, नहीं, जो हक है वो हक है बस। इसलिए कि मरने के बाद हक और बातिल का जवाब देना है। हक ये है किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मैं तो हक के साथ खड़ा हूं। अब अल्लाह तबारक व तआला खुद ज़ाते हक है, जब हक के साथ दुनिया में खड़े हैं अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ाते हक उसको अता कर देते। दूसरी अलामत और तीसरी अलामत फरमाया कि अल्लाह के लिए अल्लाह की मखलूक से तवाजो करे, अल्लाह के लिए अल्लाह की मखलूक के सामने इनकिसारी और तवाजो इख्तियार करे, किसी के साथ तकब्बुर और गुरूर से बात ना करे, अखलाक हसना से बात करे, खूबसूरती के साथ डील करे, यह सोच के कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हाँ, किसी को रोब दबदे में से नहीं, दुनिया के किसी बादशाह के मनसब की वजह से नहीं उसकी चापलोसी करे, उसकी तवाजो करे, अल्लाह के लिए तवाजो करे, किसी अपने मफादात के लिए तवाजो ना करे। तभी तो हदीस में फरमाया मन तवाजा लिल्लाह रफाहुल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए तवाजो को इख्तियार किया अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद कर देते। तो ये तीन अलामतें हैं, फरमाया कि ये तीन अलामतें जिसके अंदर पैदा हों, और जितने दर्जे में एक पैदा हो गई तो समझो कि तीन हिस्से में से एक हिस्सा सफर का तय हो गया, दूसरी पैदा हो गई समझो माशाल्लाह दो हिस्से सफर तय हो गया, तीसरी पैदा होगी समझो तीनों हिस्से सफर का तय हो गया, अब अल्लाह तबारक व तआला की कुर्ब की मंजिल मुझे मिल गई। और फिर अल्लाह ताला जीने का वो मजा अता कर देते हैं कि दुनिया में रहते ऐसे लगता है जैसे जन्नत के मजे उड़ाता हूं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए और इन्हीं हकीकतों को और ये दुनिया को जरूरत समझ के हम इस्तेमाल करें। फजीलत आखरत की नेमतों में है, और दुनिया के अंदर जो भी कुछ करें वो भी आखरत की नीयत से जब करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने कुर्ब के रास्ते पर हमें लगा देंगे। और जब अल्लाह एक रास्ते पर जब लगा देता है तो फिर मंजिल अल्लाह तबारक व तआला जरूर अता फरमाते हैं और इंसान को मायूस नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह बिल आलमीन।